इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कीमोथेरेपी एजेंट को और क्या बोला जाता है? क्या उन्हें एंटी नियोप्लास्टिक बोला जाता है, या ऑप्थाल्मिक्स बोला जाता है, या टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन सॉल्यूशन बोला जाता है, या लार्ज वॉल्यूम ऑफ आईवी सॉल्यूशन बोला जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले चलिए समझते हैं कीमोथेरेपी एजेंट क्या होते हैं। कीमोथेरेपी एजेंट वैसे ड्रग्स को कहते हैं जो कैंसर के ग्रोथ को रोकते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला टाइप यह है कि सेल की डिवाइड होने की एबिलिटी को ये ब्लॉक कर देते हैं, और दूसरे प्रकार में ये जो डैमेज हो चुकी है सेल कैंसर के कारण उसे रिपेयर करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कितने प्रकार के कीमोथेरेपी एजेंट हैं? तो 100 से भी ज़्यादा कीमोथेरेपी एजेंट आज यूज़ किए जाते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। आइए अब बात करते हैं कि आखिर इन चारों ऑप्शन में कौन सा कीमोथेरेपी एजेंट है। तो सबसे पहले बात करें ऑप्थैल्मिक की, तो ये आँख से संबंधित है, तो बी ऑप्शन नहीं होगा। अगर बात करें सी की, तो ये पेरेंटल न्यूट्रिशन सॉल्यूशन है, यानी कि सुई से संबंधित है। और आईवी सॉल्यूशन, तो ये इंट्रावेनस सॉल्यूशन से संबंधित है। तो एक बच रहा है एंटी नियोप्लास्टिक। सो हेयर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो जब कभी भी आपको आंसर नहीं मालूम हो, तो वैसे ऑप्शन को ढूंढिए जिनका आंसर आपको मालूम हो, तो एलिमिनेट करके आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन बी सी डी एलिमिनेट हो गया। सो हेयर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, एंटी नियोप्लास्टिक।